पढ़ाई हो जा रहा था फिर फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर मैं फ्रॉम कॉलेज IMCG 3614 आई हैव अ टॉपिक ट्रैकिंग कोरोना वायरस इन ह्यूमन एक बॉडी पे कोरोना वायरस कैसे अफेक्ट करता है वो हमने एक प्रोजेक्ट बना के बाकायदा बताया है कि आउटर लेयर से लेकर इनर लेयर तक जो कोरोना वायरस है कितना अफेक्ट करता है हमने स्टेजेस बता दिए 1-3 डेज में क्या होता है 4-9 डेज में क्या होता है 8-15 डेज में क्या होता है और आफ्टर 3 वीक्स बॉडी की क्या कंडीशन होती है। अब फर्स्ट हमारे पास हेल्दी बॉडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मस्कुलर सिस्टम रिब्स लंग्स एंड प्लाज्मा। अब फर्स्ट 1-3 डेज में ये होता है कि नेजल कैविटी को सबसे पहले कोरोना वायरस अफेक्ट करता है जिसकी वजह से हमारी जो हमारे हेड पेन शुरू हो जाता है माउथ जो है नोज टू माउथ अफेक्ट कर जाती है कोरोना वायरस से और जब नेजल कैविटी अफेक्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रोंकाई के थ्रू हमारे हेल्दी लंग्स को अफेक्टिव लंग्स में कन्वर्ट कर देती है। जब ब्रोंकाई से वायरस लंग्स पे अफेक्ट करता है तो हमारा जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो मुश्किल हो जाता है इनहेल और एक्सहेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब इनहेल और एक्सहेल में मुश्किल होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरा अफेक्ट कर जाता है। ये जो सिम्टम है ये हमारा पाया जाता है 5% लोगों में और 5% लोगों में ये पाया जाता है और जब भी हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट करता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं और जो लोग सर्वाइव कर पाते हैं वो क्यों सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम होता है जो वो स्ट्रांग होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं यंग पीपल हैव स्ट्रांग इम्यून सिस्टम दैट्स व्हाई कि वो सर्वाइव कर सकते हैं और जब जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जो पहले ही अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं कुछ जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम जो होता है इतना स्ट्रांग नहीं होता लेस स्ट्रांग होता है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर कोई सर्वाइव करता है तो उसको ICU की बहुत ज़्यादा नीड होती है और उसमें यही बताया गया है कि वायरस कैसे अफेक्ट कर रहा है एक बॉडी को फर्स्ट क्या कर रहा है सेकंड क्या कर रहा है थर्ड क्या कर रहा है। वालेकुम मेरा नाम वर्ष है और ये आयशा है हम लोग 9th क्लास में और हम लोग IMCG G92 में तो ये हमारा मॉडल है ये भी वर्किंग है और ये भी वर्किंग मॉडल है। ये पहले हम लोग आपको ये दिखा देते हैं ये जो है ये हम लोगों ने बनाया हैंड वॉश स्टेशन ये बेसिकली हैंड वॉश करने के लिए है। इसका मोटिव ये है कि अगर आप लोगों के पास पानी वगैरह खत्म हो जाए या किसी ऐसी जगह पे आप लोग चले जाए जहाँ पे पानी कम है तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर पानी स्टोर करके हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेस करते हैं वैक्यूम के प्रिंसिपल पे तो जब हम इसकी ये बॉटल है बेसिकली इसको हम ऊपर से खोलेंगे तो वहाँ से पानी तो इसलिए हम इसको बंद करेंगे तो रुक जाता है तो हम इसमें हैंड वॉश भी कर सकते हैं और ये इसके साथ हम सोप भी रख सकते हैं और चाहे तो इसके साथ नैपकिन वगैरह भी लगा सकते हैं। ये इजीली बन सकता है इसके लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत आसान भी है और यूजफुल भी है। ये जो है ये डिसइंफेक्शन चेंबर है डिसइंफेक्शन चैनल है जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होते हैं वहाँ पर इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े चैनल होते हैं कि उसके नीचे जब बंदा गुजरता है तो ऊपर से स्प्रे होता है जब गुजर जाते हैं तो स्प्रे की वजह से वो डिसइंफेक्टेंट होता है जब हम गुजर जाते हैं तो हम लोग डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। ये उसका छोटा मॉडल है इसमें हम लोग सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं इसको चला देता हूँ इस जैसे स्प्रे निकली का हम इसके नीचे हैंड भी रख सकते हैं और इसमें हम लोगों ने पंप यूज़ किया है हम लोगों ने लेवल पाइप्स यूज़ किए हैं और हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज किया है ये बहुत आसान है और ईजी बन माई नेम इज़ ममता अब्दुल सबूत एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास मैं FCM2 स्कूल से आई हूँ इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स। आज मैंने मॉडल बनाया है विंटर बैन के बारे में जिस इस फैन की वजह से मैं आपको दिखाती हूँ इस फैन की वजह से मैं आप इसको हवा दूंगी और मैकेनिकल एनर्जी की मदद मैकेनिकल एनर्जी है वो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सर हम थोड़ी जाएंगे हाउस के अंदर I am from college IMCG 991.
Here we have our pH machine and it contains two red cabbage extracts. When we push the plunger, there's a tissue right there which is absorbing the red cabbage extract. Here is it right here. When we want to check whether this solution is acidic or basic. When we pour the solution, its color changes to green. And on the pH scale, we can see that the color green indicates that the solution is a base. So we can say that the given solution is a base and lies in pH between 7.5 to 4.